खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एके मिश्रा जी। एके मिश्रा जी, जिस तरह से केंद्र सरकार का रवैया रहा पूरे ऑपरेशन को लेकर, वहाँ की सुरक्षा को लेकर, अगर यहाँ पर दूसरी कोई पार्टी होती, अगर यूपीए मान लिया अगर होती और विपक्ष में अगर बीजेपी होती, तो फिर बहुत तगड़े तरीके से विरोध करती। लेकिन कांग्रेस ने उस तरीके से इसका विरोध नहीं किया, विपक्षी पार्टियों ने विरोध नहीं किया, या कहा जाए कि विपक्ष काफी कमजोर है, इस मुद्दे को उठाया नहीं उन्होंने। आसिफ, देखिए, हैरानी मुझे भी होती है, कांग्रेस ही केवल एक ऐसी पार्टी है जिसने एक छत्र पूरे देश पे राज किया है। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उनके पास है, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस लीडर उनके पास है। मेरी समझ में फिर भी नहीं आता है ना, तो ये ऑफेंस, डिफेंस और ऑफेंस, ये बीजेपी पे या दूसरी और पार्टियों पे ये अटैक भी आजकल उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, अपना ये डिफेंस भी नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि कांग्रेस आज की डेट में, आज की तारीख में, मुझे ये लगता है किंग कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई है। जहां वो पहले एक नंबर एक की पार्टी होती थी, पक्ष या विपक्ष में ही रहती थी, अब उसकी हालत ये हो गई है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को रोकने के लिए उसको दूसरी पार्टियों को जो है समर्थन देना पड़ रहा है, छोटी छोटी पार्टियों को। कर्नाटक में आप देखिए, बिना मांगे उन्होंने समर्थन ऐसी पार्टी को दे दिया जिसको केवल 38 या 40 सीटें वहां पे मिली हुई थी। इसी जगह से कमोबेश कहीं ना कहीं हर जगह कांग्रेस की स्थिति यही है कि कांग्रेस की स्थिति ऐसे हो गई है जैसे आप कहीं अगर मान लीजिए तराजू पे तौलने वोलने के लिए जाते हैं ना, जो मेन बाट होता है उसके साथ जो वो छोटे छोटे बाट रखे जाते हैं 100 ग्राम 50 ग्राम के, जो कि बैलेंसिंग करने के लिए होते हैं, तो कांग्रेस का पतन इतना ज्यादा हो गया है। और उसमें भी हैरानी की बात, देखिए आसिफ, मैं बोलता हूँ बीजेपी के बाद आज भी अगर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी किसी के पास है, राजनीतिक पार्टी के पास, पैन इंडिया पे, पैन इंडिया लेवल पे देखा जाए तो वो कांग्रेस के पास है। लेकिन कांग्रेस अपने आप को रीस्ट्रक्चर नहीं कर पा रही है, कांग्रेस अपने आप को रीलॉन्च नहीं कर पा रही है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के जो आला कमान के नेता जो बैठे हुए हैं, उनके भी मैं टीवी डिबेट वगैरह ये सारी चीजें मैं देखता रहता हूँ, जिस हिसाब से राजनीति बदल गई है ये टेक्नोलॉजी के कारण, व्हाट्सएप और इसके कारण, वो अपने इन सारी चीजों को लेकर विपक्ष नहीं अपने आप को बदल पा रहा है, या कहें तो कांग्रेस नहीं बदल पा रही है। लेकिन विपक्ष का मजबूत होना इसीलिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। एके मिश्रा जी, कुछ दिन पहले समर्थन वापस ले लेना, उसके बाद रैली करना और ये बात समझाना कि राज्य सरकार ने काम नहीं किया, पीडीपी ने काम नहीं किया, इसलिए हम अलग हो गए। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को अमित शाह ये समझा रहे थे कि हमने जो अलग हुए हैं वो हमारी गलती नहीं थी, उस पीडीपी ने काम नहीं किया इसलिए हम अलग हो गए? आसिफ, देखिए, जिस दिन समर्थन वापस हो रहा था उस दिन भी आपके इसी यहीं पे इसी स्टूडियो में हम लोगों ने डिबेट किया था, और उस दिन शायद मैंने ही ये बोला था कि ये जो समर्थन वापसी है ये कोई राजनीति के कारण नहीं है, बल्कि एक ये सोची समझी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है बीजेपी की, और उसके साथ साथ दूसरी, मतलब महबूबा मुफ्ती की भी पार्टी की है। दोनों पार्टियों ने अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, बीजेपी के लिए जहां जरूरी है, 2019 का इलेक्शन आ रहा है, जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने जो 2014 में वायदे किए थे वो कहीं ना कहीं उतना पूरा नहीं कर पा रहे थे जितना उन्होंने वायदा किया था। तो अब सवाल यह है कि किसके सर पे ठीकरा फोड़ा जाए वहां पे। तो बीजेपी ने जो है, बीजेपी देखिए पॉलिटिकल लिब्रेंथ या पॉलिटिकल मतलब एक राजनीतिक साजिश जो होती है, उस चीज को अगर देखा जाए हेल्दी वे में देखा जाए, तो बीजेपी ने ये बहुत एक अच्छा मूवमेंट लिया था, और इसका फायदा जो है जो दूसरी पार्टी है महबूबा मुफ्ती की, उन्होंने भी ये बोला था कि हाँ भाई, हमारा जो मकसद था कि धारा 300 इसको रोक करके रखना, उन्होंने उसको रोक करके रखा 3-4 साल तक। सवाल ये है कि यहाँ पे कहीं कोई, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 100% कोई देशभक्ति से ओतप्रोत है। देशभक्ति से और देश के कामों से अगर ओतप्रोत है तो उसके साथ साथ उनके जो अपने पॉलिटिकल हित है 2019 के इलेक्शंस को लेकर के, वो चीज भी कहीं ना कहीं मिली हुई है वहां पे, और इसी चीज का फायदा दोनों पार्टियां उठा रही हैं। जैसे हमने उस दिन भी जैसे पहले बोला था कि अब देखिए ये चीजें होंगी, जैसे ही समर्थन की वापसी हुई, सरकारें अलग हुई, राज्यपाल शासन वहां पे लगा, पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गई, दोनों के अपने अपने लेवल पे अपने अपने वोट बैंक जहां उनका गढ़ है, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी, वोटों का ध्रुवीकरण, वोटों को साधने की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी एक बार जो देश हित है उसको दोनों ही पार्टियों ने पीछे छोड़ दिया और अपने राजनीतिक हित को आगे कर दिया। एके मिश्रा जी, क्या हाल ही में कुछ गतिविधियां वहां पर हुई, कठुआ कांड हुआ, एक पत्रकार की हत्या हुई, एक जवान को अगवा करके उसको वहां पर मार दिया, उसको शहीद कर दिया गया, क्या ये सारी परिस्थिति जो बनी है
यह माहौल जो बना है, क्या इसकी वजह से भी बीजेपी ने घबरा के डर के जल्दी से समर्थन वापस ले लिया? देखिए, सवाल ये है कि देखिए बीजेपी ने क्या प्रॉमिस किया था आप इसको ऐसे देखिए, और वो क्या डिलीवर कर रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप नहीं, इसकी भी भूमिका रही है इन तीन चार चीजों की। केवल इसकी ही भूमिका नहीं रही है, पिछले चार सालों में जितनी भी छोटी बड़ी घटनाएं हुई, जैसे इन्होंने बोला था कि हम आएंगे तो कश्मीर में ये कर देंगे, कश्मीर में वो कर देंगे, और चार साल का टाइम बहुत होता है, उसके साथ साथ बीच में आप देखो तो ये कठुआ की घटना, इधर की घटना, उधर की घटना, बहुत सारी घटनाएं होती रही। सारी घटनाओं ने मिल करके एक कुमुलेटिव वे में देखा जाए तो बीजेपी के ऊपर ये प्रेशर बनाना शुरू कर दिया, और चूंकि J&K स्पेशली कश्मीर देखा जाए तो वो एक ऐसा पार्ट है कि जो भी कश्मीर में होता है उसका पूरा बहुत जबरदस्त मनोवैज्ञानिक प्रभाव या दबाव पूरे इंडिया पे बनता है। अगर ये वहां नहीं जीतते या अपने प्रोमिसेस को ये डिलीवर नहीं कर पाते तो इनके वोट बैंक जो पूरे इंडिया में जो इन्होंने वोट बैंक बनाया है तो वो छोटे से एक छोटी सी जगह की असफलता का असर पूरे इंडिया के वोट बैंक पे इनको पड़ता, तो इसके कारण ये काफी कुछ जो है प्रेशर में आ गए थे, और इसके कारण इन्होंने एक रणनीति अपनी बनाई। देखिए ये ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ है, आप बीजेपी के मैकेनिज्म काम करने के तरीके और मोडस ऑपरेंडी को समझिए। मेरे ख्याल से मैं ही एक ऐसा पहला आदमी हूं जो मैं शुरू से बोलता हूं, फ्रॉम डे वन जब इन्होंने ज्वाइन किया था उसी दिन बीजेपी के दिमाग में ये पूरा चक्रव्यूह बना हुआ था कि हम अभी ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हमें कब यहां से आउट होना है, और उसका रीजन है देखिए दोनों पार्टियां एकदम विपरीत विचारधारा की थी, आइडियोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे कहीं से भी ये एक दूसरे को मैच नहीं करती थी, और बीजेपी एक नेशनल लेवल की पार्टी है, उसने कैसे एक रीजनल लेवल की पार्टी के साथ वो झुक गई और उसको सीएम बनाया। अगर बीजेपी का सीएम होता तो मैं मान सकता था भाई उस मुद्दे में दम है इनके। ये पहले से तस्वीर साफ थी कि जब तक खिंच रही है तब तक खींचेगी, रिश्ते शायद पूरे इतने लंबे वक्त तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, इतनी भी इतना भी उम्मीद नहीं था शायद। देखिए मिश्रा जी, जितना ये खिंच गया शायद इतनी भी उम्मीद नहीं थी।